हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड जीएस वाली सीरीज का 22 पार्ट है। इस सीरीज में हम उत्तराखंड जीएस के इम्पोर्टेंट 1300 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति कौन है? कुनिंद शासक। कुनिंदों का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ भूति था। आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊ नामक पुस्तक में कांति प्रसाद नोटियाल ने कुषाणों का प्रमुख नगर किसे बताया है? गोविषाण को। गोविषाण का वर्तमान नाम काशीपुर है। मोरध्वज का वर्तमान नाम कोटद्वार है और वीरभद्र का वर्तमान नाम ऋषिकेश है और कालकूट का वर्तमान नाम कालसी है। बाड़वाला यज्ञवेदिका कहाँ से प्राप्त हुआ है? जगत ग्राम देहरादून से। उत्तराखंड को उत्तर कुरु क्षेत्र किस ग्रंथ में कहा गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। कुनिंदों के लिए महाभारत में क्या कहा गया है? द्विज। और कुनिंद नरेश के लिए द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। अर्थशास्त्र में कुनिंदों हेतु कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? कुनिंदो पश्य। नंदी लक्षण मुद्रा किस वंश से संबंधित है? कत्यूरी वंश से। गढ़वाल का एकमात्र मुगल मनसबदार कौन रहा था? मेदनी शाह। कत्यूरी अभिलेखों को किस लिपि या शैली में लिखा गया है? कुटिला लिपि में। कोट भ्रामरी देवी किस राजवंश की कुल देवी है? कत्यूरी शासकों की। पांडुकेश्वर अभिलेख में किस राजा को धरती के उद्धार हेतु वराह अवतार बताया गया है? ललित सूरदेव को। किसके अनुसार कत्यूरी राजा सूर्यवंशी थे? बद्रीदत्त पांडे के। मौलिक पुरुष किस चंद राजा को कहा जाता है? सोमचंद को। सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना की थी। सोमचंद ने चंपावत में राजबुंगा का किला भी बनवाया था। कुमाऊं का अनपढ़ शासक किसे कहा जाता है? कल्याण चंद को। कुमाऊं का कुंभकर्ण किस चंद राजा को कहा जाता है? कल्याण चंद को। चंदों का कुख्यात कारागार कहाँ था? सिराकोट में। चंद शासन काल में रोतेला का तात्पर्य क्या था? चंदों का भाई। श्यालू बिरालू किस चंद राजा को कहा जाता है? लक्ष्मी चंद को, जो कि रुद्र चंद का पुत्र था। इरार गायों का दान करने वाला चंद राजा कौन था? जगत चंद। जगत चंद का शासनकाल स्वर्ण काल कहलाता है। कौन सा चंद राजा माँ पूर्णागिरी की सेवा में लीन हो गया था? पूर्ण चंद, जो कि आत्मचंद का पुत्र था। और आत्मचंद सोमचंद का पुत्र था, जिसने चंद वंश की स्थापना चंपावत में की थी। स्वर्णभूमि समाचार पत्र 1934 में कहाँ से प्रकाशित होता था? हल्द्वानी नैनीताल से। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ था? 13 अप्रैल 1921 में, और इसके अध्यक्ष पी विंडम थे। किस चंद राजा ने नंदा राजात यात्रा में छंतोली भेजी थी? बाज बहादुर चंद ने। जागेश्वर में लकुलिस मंदिर का निर्माण किस कत्यूरी ने करवाया था? इष्टगण देव ने। सिरमोई का किला कहाँ है? लोहाघाट चंपावत में। टिहरी के निम्न राजाओं का सही क्रम है? भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह। भवानी शाह 56वां शासक था, प्रताप शाह 57वां, कीर्ति शाह 58वां और नरेंद्र शाह 59वां और 60वां मानवेंद्र शाह था, जो कि टिहरी रियासत का अंतिम शासक था। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अल्मोड़ा से किसने भाग लिया था? ज्वालादत्त जोशी ने। कुंती वर्मा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सक्रिय रही थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अंग्रेजों ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया था। 1939 में कर्मभूमि नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? लैसडाउन से, और इसके संपादक भैरवदत्त दूलिया व भक्त दर्शन थे। हीरामणि तथा हरे कृष्ण किस आंदोलन के शहीद थे? देघाट, जो कि 18 अगस्त 1942 में हुआ था। सल्ट क्रांति यह 5 सितंबर 1942 में हुई थी और सालम क्रांति यह 25 अगस्त
1942 में हुई थी। ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना किसने की थी? मैडलिन स्लैड ने, और इनका गांधी जी द्वारा दिया गया नाम मीरा बहन था। कैथरीन हाइलामन का नाम सरला बहन था, जो कि महात्मा गांधी ने दिया था और ये उनकी शिष्या थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कुमाऊं के मोर्चा का गठन पीसी जोशी द्वारा कब किया गया था? 1970 में। नैनीताल के वोट क्लब पर दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया था? 1973 में। 1972 में उत्तरांचल परिषद का गठन होता है और 1973 में उत्तरांचल परिषद के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया जाता है। उत्तराखंड राज्य संबंधी पत्र बम संसद में किसने फेंका था? त्रिवेंद्र पवार। उत्तराखंड में गठित किस कांड के दौरान पुलिस उप अधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी शहीद हो गए थे? मसूरी कांड, जो कि 2 सितंबर 1994 को हुआ था। खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 में हुआ था। सल्ट कांड 5 सितंबर 1994 में हुआ था और रामपुर तिरहा कांड 2 अक्टूबर 1994 में हुआ था। हंसा दनाई तथा बेलमती चौहान किस आंदोलन की शहीद हैं? 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड हुआ था। गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना पौड़ी में कब हुई थी? 1939 में। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डीडी पंत, जिनका पूरा नाम देवीदत्त पंत था। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना मसूरी में 25 जुलाई 1979 में होती है। वीरेंद्र दीक्षित आयोग का संबंध किससे है? स्थाई राजधानी चयन से। कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? भूमिहीन किसानों के। किस कमिश्नर के शासनकाल को न वकील न अपील न दलील कहा जाता है? विलियम ट्रेल के। गोरखाकालीन नेथड़ा का किला कहाँ है? अल्मोड़ा जनपद में। कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? चंद शासकों को। डोलापाल की आंदोलन का संबंध किससे है? शिल्पकार से। डोलापाल की आंदोलन 1930 में जयनंद भारती ने चलाया था। गडोदिया स्टोर डकैती 1930 में उत्तराखंड से कौन शामिल था? भवानी सिंह। गांधी ने अनासक्ति योग आश्रम में जीवन काल के कितने दिन व्यतीत किए थे? 12 दिन। दांडी मार्च में उत्तराखंड से कौन शामिल नहीं है? ज्योतिराम पांडे। ज्योतिराम कांडपाल ये शामिल थे, खड़क बहादुर शामिल थे और भैरवदत्त जोशी ये भी शामिल थे। उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? कत्यूरी शासन को। कत्यूरियों की कुलदेवी कौन थी? नंदा देवी। पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों की भाषा क्या है? संस्कृत। चनोदा में गांधी आश्रम की स्थापना शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा कब की गई? 1937 में। 1942 में अंग्रेजों द्वारा इसे बंद करा दिया गया था। ब्रिटिश उत्तराखंड को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया? 1902 में। 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल में कितने सदस्य थे? 4। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 में श्रीदेव सुमन ने की थी। उत्तराखंड राज्य संबंधी विधेयक को तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृत किया गया? 28 अगस्त 2000 में। 1 अगस्त 2000 में यह लोकसभा में पारित होता है। 10 अगस्त 2000 में यह राज्यसभा में पारित होता है और 27 जुलाई 2000 में यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। मस्तानी किसका प्रसिद्ध चित्र है? मोला राम का। सौंदर्य की प्रतिमा मोला राम के किस चित्र को कहा जाता है? मोर प्रिया को, और फ्रेंच ने इसे कहा था।
अनंत देव महाराष्ट्र की पुस्तक स्मृति कोष्ठों में किस चंद राजा को विद्वान बताया गया है? रुद्र चंद को। इस पुस्तक में बालो कल्याण चंद को प्रजाहितेशी बताया गया है। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।